जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो कल का पहला जो अगले हफ्ते में अगर हम देखें तो जैन फर्स्ट को अगले साल जो है यानी कि 2024 का पहला ट्रेडिंग सेशन होने वाला है और इसी दौरान हमारी नज़र रहेगी ऑटो सेल्स के नंबर्स पर, ऑटो कंपनीज फोकस में रहेंगे। इसके अलावा जेंसोल इंजीनियरिंग ये काउंटर फोकस में रहेगा क्योंकि ये फंड रेजिंग प्लान्स को कंसिडर करने वाले हैं और ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स भी फोकस में रहेगा क्योंकि एक स्टॉक को खरीदने का आखिरी दिन है जनवरी फर्स्ट अगर आपको बोनस इशू के लिए एलिजिबल होना है तो। इसके अलावा काफ़ी सारे अंतर्राष्ट्रीय बाजार है जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, सिंगापुर, ये सारे ही बाज़ार बंद रहने वाले हैं जनवरी फर्स्ट को। इसके अलावा जनवरी सेकंड पर अगर हम फोकस करते हैं तो इजी ट्रिप प्लानर्स फोकस में रहेगा, फंड रेजिंग को कंपनी कंसिडर करने वाली है एक बोर्ड की बैठक में। जनवरी थर्ड को जो दिसंबर में हुई थी मीटिंग FOMC की, उसके मिनट्स आने वाले हैं। फेड की तरफ से ये मीटिंग के दौरान क्या कॉमेंट्री रही है इस पर हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। आरती सर्फैक्टेंट्स, अडानी पोर्ट्स, ये दोनों ही काउंटर्स फोकस में रहेंगे क्योंकि ये दोनों ही कंपनीज की बोर्ड की बैठक होने जा रही है फंड रेजिंग प्लान्स को लेकर। GM ब्रूरीज के नतीजे आएंगे जनवरी फोर्थ को और इसी के साथ अर्निंग्स सीजन भी किक ऑफ होता हुआ नज़र आ रहा है। और जनवरी 5 को आखिर में हम फोकस करेंगे नेस्ले पर क्योंकि कंपनी के जो शेयर्स है फेस वैल्यू जो इनका है 10 रुपीज़ पर शेयर, वो अब स्प्लिट होंगे 10 अलग अलग शेयर्स में विच विल बी 1 रुपी पर शेयर। तो इसी के चलते नेस्ले इंडिया भी हमारे रिडार पर रहेगा।